नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। मूसेवाला हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग, बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। ये याचिका बीजेपी नेता जगतजीत सिंह मिल्खा ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि पंजाब सरकार ने बिना कोई उचित कारण बताए 424 लोगों की सुरक्षा वापस ली, अब उसे वापस बहाल कर दिया गया है। इसी बीच में ये हत्याकांड हो गया है, इसमें कनाडा के क्राइम सिंडिकेट का भी नाम सामने आ रहा है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। बीजेपी के टिकट पर सरल दूगढ़ सीट से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके जगजीत सिंह की याचिका में यह भी कहा गया है कि पिछले कुछ समय में पंजाब में असुरक्षा का माहौल बढ़ा है, ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट को मामले में दखल देना चाहिए। याचिका में पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। कहा गया है कि उसने ना सिर्फ सुखदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटाई बल्कि इसे प्रचारित भी किया। 28 मई को सुरक्षा हटाई गई और 29 मई को मूसेवाला की हत्या हो गई। कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई समेत कई कुख्यात अपराधियों का नाम मामले से जोड़ा जा रहा है। इस जांच को पंजाब पुलिस निष्पक्षता से अंजाम दे पाने में समर्थ नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश दे। तो साफ है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही ये बातें कही जा रही हैं कि सिद्धू मूसेवाला केस की जांच सीबीआई को सौंप देना चाहिए और इसी में सबकी भलाई भी है और आने वाले दिनों में इसी तरह से पंजाब में क्राइम को रोका जा सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि इस पर सीबीआई की टीम बैठती है या फिर नहीं और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।